वाल्मीकि नगर से लोकसभा चुनाव में लगातार दूसरी बार जीत हासिल करने के बाद एनडीए कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में जेडीयू के नवनिर्वाचित सांसद सुनील कुमार के साथ ही गठबंधन के तमाम दलों के नेता और कार्यकर्ता सम्मानित किए गए। इस दौरान नवनिर्वाचित जेडीयू सांसद सुनील कुमार ने कहा कि कार्यकर्ताओं के मनोबल और मेहनत के बदौलत चंपारण में एनडीए ने सभी सीटों पर जीत हासिल की है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ ही हर गांव हर कस्बे तक विकास की किरण पहुंचेगी। डबल इंजन की सरकार में रोड मैप बनाकर वाल्मीकि नगर को विकसित करने की योजना बनाई गई है। जो कार्यक्रम है कार्यकर्ताओं का सम्मान और धन्यवाद समारोह है, एनडीए कार्यकर्ताओं ने जो वाल्मीकि नगर लोकसभा के जितने एनडीए कार्यकर्ता है और आम जनता है सभी लोगों ने जो तन मन और धन से मेहनत करके जो सीट को जिताया है और हमारी यह परंपरा रही है पूर्व से दिवंगत सांसद बैनाथ प्रसाद महतो जी का कि कार्यकर्ताओं को हम लोग सम्मान कार्यकर्ताओं को हम लोग भगवान का रूप मानते हैं, उसी सिलसिला को जारी रखते हुए हमने 3 विधानसभा का आज बगहा रामनगर और वाल्मीकि नगर विधानसभा का आज धन्यवाद समारोह और आपको कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह आज है। और कल जो है पिछले बीते दिन नरकटियागंज में नरकटिया विधानसभा लौरिया और सिकटा विधानसभा का हमने कार्यकर्ता सम्मान और धन्यवाद समारोह किया है। यानी कहने का मतलब कार्यकर्ताओं के बल पर यह चुनाव की जीत हुई है। आम जनता ने बढ़ चढ़ करके मोदी जी और नीतीश जी के हाथों को बढ़ाया मजबूत किया, इसी कड़ी में आज कार्यकर्ता सम्मान समारोह रखा गया। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए वाल्मीकि नगर के विकास के लिए जो रोड मैप की आप बात कर रहे हैं वह केंद्र और भारत केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार तत्पर रही है इस चंपारण के प्रति और उस तत्परता के स्वरूप हम लोग तत्पर हैं और उसका जो सरकार का जो रोड मैप है उस रोड मैप को हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं और करते रहेंगे।